नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव हंसराज आपका स्वागत करता हूं दक्षा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। ओके दोस्तों, तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था सदिशों का बिंदु गुणनफल या सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, अब हम लोग, मैंने बोला था ना आपको कि दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, गुणनफल। अब हम लोग बात करेंगे सदिश गुणनफल। दोस्तों देखिए, अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की, ठीक है, सदिशों का सदिश गुणनफल या सदिशों का क्रॉस गुणनफल। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने पहले वाले सेशन में बोला था, उसको हमने बिंदु गुणनफल इसलिए बोला था क्योंकि वहां पे हम ए डॉट बी लिख रहे थे, ठीक है, और उसको अदिश गुणनफल भी इसलिए कहा था क्योंकि ए डॉट बी करने पर जो आया था ए बी कॉस थीटा, उसमें कुछ भी वेक्टर जैसी चीज नहीं थी, वो एक स्केलर था। ठीक है, ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे हम लोग सदिशों का सदिश गुणनफल की बात कर रहे हैं, ठीक है, या उसको क्रॉस। क्रॉस क्यों बोलेंगे, क्योंकि जैसे वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग वहां पे ए डॉट बी लिख रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए। और दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होती, इसकी वैल्यू दोस्तों जब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो ए क्रॉस बी करने पर जो वैल्यू आएगी, जो आउटकम आएगा, वो क्या होगा, ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप। ठीक है, जैसे वहां पे ए डॉट बी करने पर ए बी कॉस थीटा आया था, यहाँ ए क्रॉस बी करने पर ए बी साइन थीटा आएगा, ठीक है, इनटू में एन कैप। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये तो समझ में आ रहा है भाई, ठीक है, कि ए बी साइन थीटा क्या है, ए होगा वेक्टर ए का परिमाण, बी होगा वेक्टर बी का परिमाण, थीटा होगा ए और बी के बीच का एंगल, और अब एन कैप क्या है, एन कैप क्या है, आप समझिए इस बात को मेरे। मैंने कहा था एकांक सदिश को हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब क्या है भाई, ये सब एकांक सदिश ही तो है ना, सबके ऊपर देखिए कैप लगी है, ठीक है, वैसे ही एन कैप। तो अब आपको इस एनालॉजी से आप ये तो समझ गए होंगे कि एन कैप क्या है, एकांक सदिश है, बिल्कुल सही, एन कैप क्या है, एकांक सदिश है, ठीक, लेकिन इसकी दिशा वगैरह के बारे में क्या जानकारी होगी, ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोग इसको थोड़ा ये रफ करता हूं मैं, और मान लीजिए दोस्तों ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए अब मुझे ये चीज बतानी है कि एन कैप की दिशा हम लोग कैसे समझेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम एन कैप की दिशा नहीं समझ पाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि दो वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया, हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो व्हाट इज द डायरेक्शन, ठीक है, हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि भाई कौन सी डायरेक्शन होगी, किस डायरेक्शन के अलोंग इनका रिजल्टेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, इस सब चीजों के बाद, ठीक है, चलिए तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमने दो वेक्टर ले लिए, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है, और ये जो मैंने शेडेड पोर्शन किया है ये क्या बता रहा है, ये वेक्टर ए और बी से मिलकर बनने वाला प्लेन है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये ब्लैक पेन, ठीक है, और ये हमारा ब्लू पेन, ये दोनों क्या है, ये वेक्टर ए है, ये देखिए ए की तरफ बना है, ये वेक्टर ए है, और ये हमारा बी की तरफ बना है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, दोनों ऐसे अरेंज है, देखिए दोनों की टेल आपस में क्या कर रही है, दोनों की टेल आपस में कोइंसाइड कर रही है, देखिए दोनों की टेल कोइंसाइड कर रही है, ठीक है, ये दोनों की टेल आपस में कोइंसाइड कर रही है, ठीक, इतनी बात समझ आ गई। अब इनसे मिलकर बनने वाला प्लेन जो है वो मैंने शेडेड किया हुआ है, शेडेड पोर्शन क्या दिखा रहा है, शेडेड पोर्शन जो है वो इनसे ए और बी से मिलकर बनने वाले प्लेन को दिखा रहा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनसे मिलकर बनने वाला प्लेन क्या होगा, ये होगा, बिल्कुल ये प्लेन होगा, ठीक है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा वो एन कैप की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, वो ये होगा कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन है, एक ये होगी अपवर्ड ऊपर की ओर, ये भी तो परपेंडिकुलर है ना, देखिए ये प्लेन, ये है प्लेन, ठीक है, ये है प्लेन, और इसके क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, एक डायरेक्शन तो ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो सकती है कि ये रहा प्लेन और ये इसके परपेंडिकुलर नीचे की ओर, ठीक, ये चीज हो गई। तो अब हम कैसे बताएंगे कि इसके परपेंडिकुलर ये वाली डायरेक्शन होगी एन कैप की, या तो ये वाली डायरेक्शन होगी एन कैप की, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल, उनका नाम जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, लेकिन पूरा नाम मत जानिए, है ना, जानकारी के लिए रख लीजिए, लेकिन पूरा नाम का कुछ ना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ केवल मैक्सवेल बोलेंगे और आपका काम चल जाएगा, ठीक है। देखिए मैक्सवेल, मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने अपना एक नियम दिया, उसको बोलते थे, ठीक है, इसको बोलते हैं मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच नियम। दक्षिणावर्त पेच नियम का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग मैक्सवेल राइट हैंडेड स्क्रू लॉ, बिल्कुल। अब देखिए आपने स्क्रू तो टाइट किया ही होगा, और अगर नहीं किया है तो इसका एक एक्सपीरियंस ले लीजिएगा, ठीक है, ना केवल इससे आपके घर का एक स्क्रू टाइट हो जाएगा, इसके साथ ही साथ आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपने देखा होगा, और एक बहुत ही सामान्य सी बात है कि मोस्ट ऑफ द पीपल अप्रॉक्सीमेट करीब नियरली 99.99%, ठीक है, राइट हैंडेड
राइट हैंड से स्क्रू टाइट करते हैं या राइट हैंड से स्क्रू ड्राइवर चलाते हैं, ठीक है। हम स्क्रू ड्राइवर सपोज करिए ऐसे टाइट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर हम स्क्रू को, अगर हम अपने हाथ को ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे, जरा आप इसको, इस एक्टिविटी को आप भी करके देखिएगा, अगर आप अपने हाथ को ऐसे रोटेट करेंगे तब जो स्क्रू होता है वो आगे की ओर बढ़ता है और टाइट होता है, ठीक। इसका अपोजिट, अगर हम इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, आगे से ऐसे पीछे की ओर ऐसे ले जाते हैं, तो स्क्रू ऐसे ऐसे करने पे ढीला हो जाता है या बाहर निकल आता है, ठीक है। तो स्क्रू को टाइट करना और स्क्रू को ढीला करना, ये चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना क्या है, हमको केवल इतना करना है कि हमारे पास दो वैक्टर्स हैं, ठीक है। अब इसमें ए क्रॉस बी, इसमें ए जो लिखा है वो फर्स्ट वैक्टर है, ठीक है, और जो बी लिखा है वो सेकेंड वैक्टर है, ठीक है। तो मैक्सवेल ने बताया कि अपने दाएं हाथ को प्रकार सेट करिए कि सपोज करिए आपने क्या किया है, एक पेच को, एक पेचकस को, एक स्क्रू ड्राइवर को पकड़ रखा है, ठीक है। सपोज करिए मैंने एक स्क्रू ड्राइवर को ऐसे पकड़ रखा है, ठीक। अब कह रहे हैं, मैक्सवेल ने कहा कि अपने हाथ को ऐसा रोटेट कराइए कि वो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर हो, ठीक है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर हो। यहां पे देखिए पहला वेक्टर क्या है भैया, ए, दूसरा वेक्टर क्या है, बी, ठीक है। और मैंने पहला वेक्टर यहां पे ए बना रखा है, दूसरा वेक्टर बी बना रखा है। आप सपोज करिए मेरा हाथ यहां पे है, ठीक है, या इसको मैं इसके माध्यम से समझाता हूं, समझिएगा। ये ब्लू पेन ए है, ये रेड पेन हमारा बी है, ठीक है। अब हमने अपने हाथ को यहाँ पे सेट कर लिया, हमें ए से बी घुमाना है क्योंकि पहला वेक्टर ए है, दूसरा बी है। पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर तक उंगलियों को रोटेट करना है, ठीक। तो पहला वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, उंगलियों को ऐसे रोटेट करेंगे, और जब उंगली को ऐसे रोटेट करेंगे, मेरा हाथ ऐसे रोटेट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये पेज नीचे की ओर आएगा, यानी इनका इनका रिजल्टेंट कितना होगा, नीचे की ओर होगा। अब नीचे की ओर बनाएंगे तो ये डायग्राम आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं। जैसे सपोज करिए हमने इसको बदल दिया, ये हमारा वेक्टर ए बन गया और ये वेक्टर बी बन गया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, है ना। पहले वाला भी सही था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसमें रिजल्टेंट किधर आएगा, नीचे की ओर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी। मैं बता रहा था ना आपको कि ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो ए और बी से मिलकर बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। फिर मैंने कहा था आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि भाई परपेंडिकुलर का मतलब ये ऊपर वाली डायरेक्शन या फिर नीचे वाली डायरेक्शन, तो अगर हम इसको ए, इसको बी मान रहे थे तो रिजल्टेंट हमारा नीचे आ रहा था, जिससे आपको डायग्राम क्लियर ना होता, इसलिए मैं इसको ऊपर कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ठीक है। अब अपना हाथ यहां पे सेट करिए, हमें पहले वेक्टर ए से दूसरे वेक्टर बी तक रोटेट करना है, पहला वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी। उंगली को यहां पे रखेंगे, सपोज करेंगे हमने एक स्क्रू ड्राइवर पकड़ रखा है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर तक रोटेट करिए, ये देखिए उंगलियां ऐसे रोटेट होगी, और जब उंगलियां ऐसे रोटेट होगी तो देखिए अब पेच किधर जाएगा, ऊपर की ओर, और स्क्रू टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इनका इनका जो रिजल्टेंट है वो कहां से पास आउट होगा, वो हमारा यहां से पास आउट, ये है अनकैप की डायरेक्शन, ठीक है। तो अब देखिए पहले आपको इसकी डेफिनेशन बतानी थी, आप इसकी डेफिनेशन बता सकेंगे, जैसे मैंने ए डॉट बी के फॉर्मूले से मैंने दो डेफिनेशन बनाई थी, वैसे ही यहां पे केवल एक ही डेफिनेशन बनने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन एक हो या दो, ठीक है। चलिए तो अब आप क्या बोलेंगे कि दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल, इसको समझिएगा और परिभाषा फिर रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों तथा दोनों सदिशों के बीच बनने वाले कोण, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट थीटा, है ना, दोनों सदिशों के बीच बनने वाले कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है भैया साइन, ज्या का मतलब क्या होता है साइन, जैसे हम लोग मैथ्स में साइन कोसाइन पढ़ते हैं ना वैसे, और साइन की स्पेलिंग ये होती है, हम लोग शॉर्ट में साइन लिखते हैं, ठीक है, साइन। तो दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बनने वाले कोण यानी थीटा की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, तथा इसकी दिशा, तथा इसकी दिशा दोनों सदिशों से मिलकर बनने वाले तल के लंबवत होती है, ठीक है, तथा इसकी दिशा दोनों सदिशों से मिलकर बनने वाले तल के लंबवत होती है। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी, ठीक है, ये चीज है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग इसके बारे में कुछ नियम पढ़ेंगे, और नियम पढ़ने से पहले एक और चीज, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लिया जाए। सपोज करिए ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, ठीक है। अब ये ए है, ये बी है, अब हमें क्या करना है, हमें B से A निकालना है, हमें क्या करना है, हमें B क्रॉस A की डायरेक्शन निकालनी, तो B क्रॉस A की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या होगा, हमें अपने उंगली को उल्टा घुमाना पड़ेगा, B से A घुमाना पड़ेगा, जब B से A की ओर रोटेट करेंगे तो पेच नीचे की ओर आएगा, तो डायरेक्शन हमारी ये हो जाएगी, यानी A क्रॉस B की डायरेक्शन, सॉरी B क्रॉस A की डायरेक्शन ये हो जाएगी, जहां ये है B है, ये A है, ठीक है, ये वाला B,
ये ए और बी क्रॉस ए के डायरेक्शन नीचे है, ठीक है, ओके, ये चीज समझ लीजिए। सदिश गुणनफल के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, यानी दो सदिशों का अगर हम सदिश गुणनफल करेंगे तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जैसे हम लोगों ने उसके लिए बात करी थी ना अदिश गुणनफल के लिए, वैसे हम लोग उसके लिए बात कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग पहला पार्ट देखते हैं, ठीक है, पहले पार्ट में क्या होता है, अच्छा इसको कंपेयर करके पढ़िए तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। मैंने अभी इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल में क्या था, वो क्रम विनिमेय था, ये क्रम विनिमेय का पालन नहीं करेगा, क्रम विनिमेय को बोलते हैं कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा क्रम विनिमेय का नियम का पालन करने का मतलब क्या होता है, हम तभी कह सकते हैं कि भाई क्रम विनिमेय के नियम का पालन कर रहा है जब ए क्रॉस बी, अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसा हो जाए कि ए क्रॉस बी जो है वो बराबर हो जाए किसके, बी क्रॉस ए के, अगर कहीं पे ऐसा हो जाए कि ए क्रॉस बी बराबर हो जाए बी क्रॉस ए के, तब कहेंगे कि भाई क्रम विनिमेय के नियम का पालन कर रहा है। लेकिन अगर कहीं उल्टा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो रहा हो, सपोज करिए ए क्रॉस बी बराबर ना हो, तब हम कहेंगे कि क्रम विनिमेय के नियम का पालन नहीं कर रहा है, और यहाँ पे यही होता है, ठीक है, ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, तो यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर तो नहीं होगा, इतना तो सभी लोग जान रहे हैं, तो बराबर नहीं होगा, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, रिलेशन इनके बीच में ये होगा कि माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन आ जाएगा, जब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो ये माइनस का बी क्रॉस ए हो जाएगा, ठीक, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस, ये चीज समझ लेते हैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सवेल के दाएं हाथ का पेच नियम लगना है और वो आपको फिर दिक्कत करेगा, ठीक है। सपोज करिए इसी को ले लेता हूँ, इसी डायग्राम को ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छा रहेगा, अभी अभी किया भी आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए ये वेक्टर ए है, ये इस तरफ बना है वेक्टर ए, ठीक है, ये वेक्टर बी है, ये हमारा वेक्टर बी है, ये ए ये बी, ठीक। अब हमें करना क्या है, इसको मैं लेफ्ट हैंड में पकड़ लेता हूँ क्योंकि राइट हैंड से मैं स्क्रू लॉ लगाऊंगा तो मेरा हाथ फ्री नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक। अब अपने दाएं हाथ को ऐसा सेट करिए कि आपने एक स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस पकड़ रखा है, आपने उसको यहां पे सेट कर दीजिए, दोनों के टेल पर, दोनों का टेल जहां पर जुड़ा हुआ है उस पॉइंट पे अपना अंगूठा रख दीजिए, जैसे मैंने रखा है, ठीक। अब दाएं हाथ का पेच नियम यानी राइट हैंडेड स्क्रू लॉ ये कहता है कि पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर चलिए, जब मैं ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूं, ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूं, तो पहले क्या लिखा है दोस्तों, ए लिखा है, यानी ए क्या है पहला वेक्टर, बी बाद में लिखा है, बी क्या है दूसरा वेक्टर। अब अपने हाथ को ऐसा रोटेट करिए कि पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर तक रोटेट हो, ये देखिए पहले से दूसरा, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर रोटेट होंगे तो हमारा एक स्क्रू ऊपर की ओर जाएगा, और जब हमारा स्क्रू ऊपर की ओर जाएगा तो डायरेक्शन किधर होगी दोस्तों, ऊपर की ओर होगी, इतनी चीज समझ में आ गई। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर, अभी थोड़ी देर के लिए यहां पे इसका मतलब नहीं है कुछ, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर की ओर आई, ठीक है, आपने ए क्रॉस बी निकाला था तो ए क्रॉस बी ऊपर की ओर आया था। चलिए अब इसी को लेके चलेंगे, अब बी क्रॉस ए निकालेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, ये है वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, हमें इसको सॉल्व करना है, यहां पहले क्या लिखा है दोस्तों, बी लिखा है, मतलब बी पहला वेक्टर है, बाद में ए लिखा है, मतलब वो दूसरा वेक्टर है। अब मैक्सवेल का नियम कहता है कि अपने दाएं हाथ को ऐसा सेट करिए जैसे आपने उसमें पेचकस पकड़ रखा है, ठीक है, ऐसे। अब इस हाथ को उठा के ले आइए, कहां पे रखिए, दोनों सदिशों के, दोनों वेक्टर्स के कटान बिंदु पर, दोनों वेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, यानी दोनों वेक्टर का जहां टेल आपस में मिल रहा है, दोनों वेक्टर का टेल कहां मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, दोनों वेक्टर के टेल पर अपना हाथ रख दीजिए, ठीक है। अब इसको पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर रोटेट करिए, यहां पे पहला वेक्टर क्या है, बी, और हमारा बी वेक्टर किधर है, इधर, ए वेक्टर है इधर, यानी अब उल्टा काम होगा, अब बी से ए की ओर रोटेशन होगा, पहले ए से बी की ओर हो रहा था, उल्टा होगा, बी से ए की ओर होगा, यानी ऐसे होगा, रोटेशन कैसे होगा, ऐसे होगा, जब ऐसे रोटेशन होगा तो नीचे की ओर आएगा इसका, इसका रिजल्टेंट जो है वो नीचे की ओर आएगा, इसका प्रोडक्ट नीचे की ओर आएगा, तो ये एन की डायरेक्शन नीचे की ओर हो जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन होगी नीचे की ओर। और दोस्तों आपको पता ही, अगर मान लीजिए दो वेक्टर हो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, दो वेक्टर है मैग्नीट्यूड में इक्वल है, हमने कहा ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, फिर हमने कहा ये दोनों वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो अब अपना दिमाग चलाइए, अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, या वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए, ठीक है, वही चीज आ गई ना, दोनों इसका ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट ऊपर आया, बी क्रॉस ए का रिजल्टेंट नीचे आया, और ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मैग्नीट्यूड क्योंकि इसका भी ए बी साइन थीटा होगा और इसका भी ए बी साइन थीटा होगा,
तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण एक माइनस साइन आता है, ठीक है। तो ये तो एक इसका प्रूफ हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब ये वितरण नियम का पालन करता है, इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझेंगे। सपोज करिए ए क्रॉस है, ए का क्रॉस हो रहा है किसके साथ हो रहा है, बी प्लस सी के साथ हो रहा है क्रॉस, होने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे करिए, पहले ए का बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा भैया, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। बीच में लगा है प्लस, हम भी लगाएंगे प्लस, फिर ए का सी के साथ करेंगे तो कितना बन जाएगा, ए क्रॉस सी। इतनी चीज समझ आ गई, ये है आपका वितरण नियम, और वितरण नियम का पालन कर रहा है तभी ये दोनों बराबर है। अगर पालन नहीं करेगा तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे, ये डज नॉट इक्वल टू हो जाएंगे, ठीक है, और ये बात गलत साबित हो जाएगी। तो चलिए दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए, जीरो हो जाए। अगर थीटा इक्वल जीरो होगा तो जरा अप्लाई करिए, ए क्रॉस बी कितना आता है, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, ठीक है, और साइन थीटा, यहाँ थीटा जीरो है तो मैं डायरेक्टली पुट कर दे रहा हूँ, इन टू एन कैप। सब कुछ तो ठीक है लेकिन यहाँ पे साइन जीरो, साइन जीरो, जीरो हो जाएगा और सब कुछ जीरो कर देगा। इसका मतलब यहाँ से एक चीज समझ में आई, वो ये चीज समझ में आई कि अगर आप दो वेक्टर हैं, कुछ भी हो, वेक्टर ए अलग है वेक्टर बी अलग है, लेकिन अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा। या दूसरे शब्दों में कहें, अगर आपसे ये पूछा जाए या ये कहा जाए कि प्रूफ करिए कि दो वेक्टर्स कैसे हैं, कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक ही दिशा में, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो उसको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, ए क्रॉस बी जीरो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात तो हो गई। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ पॉइंट पे, मतलब ठीक है, यदि यदि थीटा इक्वल 90 डिग्री हो तो क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों लंबवत होंगे तो ए क्रॉस बी कितना होगा, ए क्रॉस बी बराबर जो होगा वो होगा ए बी और यहाँ पे हो जाएगा साइन 90, ठीक है, साइन 90 और एन कैप तो रहेगा ही, क्या, ठीक है, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। और देखिए अब इसका परिमाण लेना है भाई, एन कैप जो भी हो है तो यूनिट वेक्टर ना, एन कैप केवल डायरेक्शन ही तो बताएगा, यूनिट वेक्टर है ना वो, इसका परिमाण 1 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो साइन 90 भी 1 होता है, ये लौट कर कितना आएगा, ये लौट कर आएगा ए इंटू बी, और एन कैप तो खैर डायरेक्शन बताएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब आप यहां से क्या कह सकते हैं, इसी को आप शब्दों में बोलिए तो आप ये कहेंगे कि यदि दो वेक्टर, यदि दो सदिश लंबवत है यानी थीटा इक्वल 90 है तो दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो दोनों वेक्टर्स के मॉडुलस यानी दोनों वेक्टर के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। दो, यदि दो वेक्टर लंबवत है, यदि दो सदिश लंबवत है तब उनका क्रॉस गुणनफल जो होता है वो दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी आ जाएगा, ठीक, और एन कैप तो खैर डायरेक्शन बता रहा है। तो चार पॉइंट हो गए। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। पांचवें पॉइंट में हमको क्या सीखना है, पांचवें पॉइंट में हमको ये सीखना है कि एक ऑब्वियस सी बात है, सपोज करिए यदि ए बराबर बी हो जाए, यदि ए बराबर बी हो जाए, अब दो वेक्टर बराबर कब होते हैं, दो वेक्टर बराबर तब होते हैं जब उनकी दिशा भी एक हो और परिमाण भी एक हो। मतलब इतना तो समझ में आ गया कि अगर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, जीरो, क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा अपने आप ही जीरो हो जाएगा, ये इम्प्लाई कर रहा है, ये ए बराबर बी ये चीज बता रहा है कि थीटा इक्वल कितना हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। चलिए तो यहां से कितना निकल के आएगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए इंटू बी और साइन थीटा इंटू एन कैप, ये तो फॉर्मूला होता है ना हमारा। चलिए अब इसमें अप्लाई करिए, देखिए ए और बी अगर बराबर है तो उनका परिमाण बराबर होगा, जाहिर सी बात है, ए का परिमाण बी का परिमाण बराबर है, इसका मतलब ए बराबर बी, तो मैं ए की जगह ए लिख रहा हूँ, बी की जगह बी ए लिख रहा हूँ, ठीक है, और साइन जीरो, ठीक है, और इंटू एन कैप, लेकिन कोई फायदा नहीं, सब जीरो हो गया क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। इसका मतलब क्या समझे आप कि अगर किसी वेक्टर का दो बराबर वेक्टर है, दो इक्वल वेक्टर है, ठीक है, दो बराबर सदिशों का अगर आप क्रॉस करेंगे तो हमेशा जीरो मिलेगा क्योंकि उनके बीच का एंगल जीरो होता है और साइन की जगह थीटा, साइन थीटा की जगह साइन जीरो पुट करेंगे तुरंत वो जीरो कर देगा सब कुछ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि हाँ, अब देखिए पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि ए क्रॉस बी हम लोग निकाले कैसे, ठीक है,
खैर चलिए वो तो अभी बाद में सातवें पॉइंट में देख लेंगे, पहले एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे जो ज़रूरी है, ठीक है। वो ये है कि आपने डॉट वाले सेशन में जब आप डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, ठीक है, तब आपने ये चीज़ देखी थी कि वहाँ पे हम लोगों ने आई कैप, जे कैप और के कैप के बीच में रिलेशन निकाला था, ठीक है। तो हम उसी की बात करेंगे यहाँ पे। सो हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप के बीच में रिलेशन निकालेंगे। जैसे हमने डॉट के लिए निकाला था ना, आई डॉट जे कितना होता है, जे डॉट के कितना होता है, वही काम यहाँ करना है, लेकिन थोड़ा सा संभल के, ठीक है। यहाँ पे कितना है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सपोज करिए हमने किया आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई करने पे क्या मिलेगा, देखिए ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। ए क्या है, पहले वेक्टर का परिमाण, बी क्या है, दूसरे वेक्टर का परिमाण, और थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का कोण। लगाइए यहाँ पे पहले वेक्टर का परिमाण ए वन, दूसरे वेक्टर का परिमाण भी वन, क्योंकि दूसरा वेक्टर पहला वेक्टर दोनों क्या है, एकांक सदिश है, और फिर साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा मतलब दोनों के बीच का कोण, और दोनों ही वेक्टर आई डे आई कैप है, आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, दूसरा वेक्टर आई कैप भी एक्स एक्सिस के अलोंग है। जब दोनों वेक्टर एक ही एक्सिस के अलोंग है तो उनके बीच का कोण कितना हो गया, जीरो। यहाँ पे रख देंगे साइन जीरो तो पूरा क्या करेगा, जीरो। इसका मतलब अब मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ, जे कैप और जे कैप का क्रॉस कितना आएगा, जीरो आएगा। इसी तरह से कह सकते हैं के कैप और के कैप का क्रॉस कितना आएगा, भाई जीरो आएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अच्छा वहां पे देखिए, वहां का उल्टा ही केस बन गया। यहाँ पे वहां पे i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k वन हो रहे थे, यहाँ पे उल्टा ही हो गया, i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, सब जीरो हो गए, ठीक है। अब बाकी जो बचे वो, यानी कि वहां पे सेम टाइप के मिलके वन दे रहे थे, i i, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k मिलके वन दे रहे थे, यहाँ पे सेम वाले तो जीरो ही हो जा रहे हैं, यानी i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k पूरा जीरो हो गया। अब जो मैटर करता है वो ये है कि मुझे देखना है कि i का i क्रॉस j कितना होगा, ठीक है। i क्रॉस j इसको अप्लाई करिए, देखिए i कैप x एक्सिस के लॉन्ग है, y के सॉरी j कैप जो है y एक्सिस के लॉन्ग है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, क्योंकि ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो x अक्ष और y अक्ष के बीच का कोण कितना है 90, यहां जरा पुट करिए, पहला वेक्टर का परिमाण 1, दूसरे वेक्टर का परिमाण 1, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर i और j के बीच का एंगल कितना 90, sin 90, sin 90 goes to 1, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये पूरा 1 into 1 into 1 आएगा, लेकिन यहाँ एन कैप भी तो होता है, एन कैप क्या होता है, एन कैप होता है दोनों के बीच का कोण, दोनों के बीच का कोण, एन कैप क्या होता है, दोनों वेक्टर से मिलकर बनने वाले तल के लंबवत दिशा में एकांक सदिश। तो देखिए ऐसा कौन सा एकांक सदिश है जो i कैप और j कैप दोनों के लंबवत है, तो i कैप और j कैप दोनों के लंबवत कौन है, k कैप। कैसे समझेंगे इसे, ऐसे समझिए i कैप और j कैप दोनों के लंबवत है k कैप, तो यानी कि जब आप i क्रॉस j करेंगे तो आपको k मिलेगा, ठीक है। और आप यहाँ पे अगर इस बात को समझना चाहेंगे तो दाएं हाथ का पेच नियम भी लगा लीजिए। सपोज करिए दाएं हाथ में आपने क्या पकड़ रखा है, पेचकस। अब इस पेचकस को कहाँ रखेंगे, अपने हाथ को जाके सेट करिए दोनों वेक्टर के टेल पर, दोनों वेक्टर का टेल यहाँ पे जुड़ा है, हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, आई क्रॉस जे निकालना है, पहला वेक्टर कौन है आई, दूसरा वेक्टर कौन है जे, हम आई से जे की ओर उंगलियों को मोड़ेंगे, तो अपना हाथ यहां रखने बाद आई से जे की ओर उंगलियों को मोड़िए, ये है आई, ये है जे, उंगलियों को ऐसे मोड़ेंगे, और जब उंगली को ऐसे मोड़ेंगे तो पेच टाइट होगा ना, देखिए पेच टाइट होगा तो बाहर की ओर आएगा, और बाहर की ओर कौन है, के कैप, के कैप एक्चुअली में ऐसे बना हुआ है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ठीक है। तो ये z एक्सिस के अलोंग क्या होगा, k कैप हो जाएगा, तो यहाँ पे एक n कैप आया, और n कैप की जो दिशा होती है वो a और b दोनों के लंबवत होनी चाहिए, और देखिए यहाँ पे होल्ड भी कर रहा है, k कैप की दिशा जो है वो i कैप और j कैप दोनों के लंबवत है, k कैप की दिशा, ठीक है। खैर देखिए 1 into 1 into 1 पूरा 1 हो जाएगा, कितना आएगा, k कैप आएगा। लेकिन अब थोड़ी सी बुद्धि चलाइए, बुद्धि ये चलानी है कि आपने यहाँ पढ़ा है कि a क्रॉस b बराबर माइनस का b क्रॉस a होता है, यानी कि i क्रॉस j मिलकर जितना आया है ये किसके बराबर हो जाएगा। इतना समझ लीजिए कि क्रॉस में अगर आप ऑर्डर को बदलेंगे, a क्रॉस b को आपने b क्रॉस a लिखना चाहा, ठीक है, तो माइनस साइन जरूर आएगा। वैसे ही यहाँ पे लिखिए i क्रॉस j को अगर हम उल्टा लिखना चाहें, अगर हम इसको लिखना चाहें j क्रॉस i, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए, ठीक है, लेकिन एक माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है।
आई क्रॉस जे को अगर आप जे क्रॉस आई लिखते हैं तो एक माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा। इसी तरह से अब बात करेंगे हम लोग जे क्रॉस के लिए, जे क्रॉस के लिए बात करते हैं। तो इस वाले डेफिनेशन से चलिए, ये कहता है पहले वेक्टर का परिमाण जो कि जे का परिमाण यानी वन है, फिर कहता है बी यानी दूसरे वेक्टर का परिमाण, यहाँ दूसरे वेक्टर का परिमाण के का परिमाण वन, और दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल भाई कितना है, जे कैप ये रहा के कैप ये रहा, के कैप एक्चुअली में ऐसे होता है, तो जे कैप और के कैप के बीच का एंगल कितना है 90, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम साइन 90। ठीक है, अब एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताइए जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, जे और के परपेंडिकुलर कौन होगा, आई, और आप इसे दाएं हाथ के नियम से भी देख सकते हैं। सपोज करिए ये आपकी ये जेड एक्स है, ये वाई एक्स है, यहाँ पे जे कैप है, यहाँ पे के कैप है, आपको पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर उंगलियों को मोड़ना है, जे से के की ओर उंगलियों को मोड़ना है। ठीक है, पहले अपने हाथ को यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, अब जे ये है जे और ये है के, तो जे से के की ओर मोड़ेंगे तो देखिए पेज किधर की ओर भागेगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि आई कैप की दिशा में पेज आगे मूव करेगा, तो ये हो जाएगी आई कैप आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 × 1 × 1 दैट इज 1। ठीक है, और यहां देखिए इसको अब हम रिवर्स करें, अगर हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखना चाह रहे हैं दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक माइनस का साइन आ जाएगा, यानी यहां पे एक माइनस का साइन आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, के क्रॉस आई, के क्रॉस के को हमने उल्टा कर दिया, के क्रॉस जे तो बन गया लेकिन माइनस साइन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहला तो ये हो गया हमारा। दूसरा अब हम बात करेंगे के क्रॉस आई की, तो के क्रॉस आई, ठीक है, देखिए अब यही डेफिनेशन लगाइए, ये कहता है पहले वेक्टर का परिमाण, पहला वेक्टर है के का परिमाण 1, फिर कहता है बी यानी दूसरे वेक्टर का परिमाण, दूसरे वेक्टर का परिमाण है 1, और फिर साइन और दोनों के बीच का कोण, भैया के और आई के बीच का कोण कितना है, ये है के कैप, ये है के कैप, ये है आई कैप, के और आई के बीच का कोण 90, तो यहां पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 90। ठीक है, अब एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताइए जो के और आई दोनों के परपेंडिकुलर हो, भाई के और आई दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, जे, और इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हमने कहा कि आपको जे और सॉरी के और आई के बीच का कोण निकालना, अपनी उंगली को कहाँ रखेंगे, दोनों के कटान बिंदु पर, अब अपनी उंगलियों को ऐसा घुमाइए कि पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर उंगलियां घूमे, पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर उंगलियां घूमे, तो पहले सदिश, पहला सदिश कौन सा है, ये के कैप, के कैप से आई कैप की ओर उंगलियां ऐसे घूमेगी, और के कैप से आई कैप की ओर उंगलियां घूमेगी तो देखिए पेज किधर बढ़ेगा, ऊपर की ओर, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग, दैट इज जे कैप के अलोंग, तो यहाँ पे इसलिए भी जे कैप आ गया क्योंकि एन कैप की दिशा पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर ए और बी दोनों के लंबवत होती है, तो इसी तरह से यहाँ जो एन कैप आएगा उसकी दिशा के और आई दोनों के लंबवत होगी, यानी वो जे हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए हम इसे के डॉट आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, बेशक आई क्रॉस के लिख सकते हैं, के क्रॉस आई को आई क्रॉस के लिख दिया लेकिन एक माइनस साइन चला आएगा। ठीक है, ऐसा माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि ये क्रम निर्णय के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, अब इसको याद कैसे रखा जाए, याद कैसे रखा जाए, तो उसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, अभी ये मिटा रहा हूं। ठीक है, आई कैप फिर आता है जे, कहीं लास्ट में कहीं जाके आता है के। ठीक है, तो चलिए आई कैप जे कैप और के कैप के बीच में इनको कैसे याद करें, भाई आई के बाद क्या आ रहा है, जे आ रहा है, तो हमने देखिए पहला एरो बनाया आई से जे, दूसरा एरो बनाया हमने जे से के, ठीक है, और तीसरा एरो बनाया हमने के से आई। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई, आई से जे से के से आई। ठीक, अब अगर आप एबीसीडी के अल्फाबेट, इसे बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर मतलब जो क्रम से आए उसको फॉलो करिए, भाई एबीसीडी याद करिए, हम लोग ने बचपन में पढ़ा है, आई के बाद जे आ रहा है, जे के बाद के आ रहा है। ठीक है, तो आई के बाद जे आया, जे से के जाएंगे, अब के से आगे एल पे नहीं चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे केवल तीन ही लोग को लेना है, साइक्लिक का मतलब होता है क्लोज रिलेशन बने, ये जहां से चले वहीं पे घूम के वापस भी आना चाहिए, तो आई जे और के तीन को मिला के क्लोज चेन बनाई। ठीक है, आई से जे गए, जे से के जाएंगे, के से आई जाएंगे, अगर आप इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, देखना चाहेंगे कैसे, आइए देखते हैं, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी। देखिए पहले अपने दिमाग में इतना बैठा लीजिए कि यहाँ क्रॉस हो रहा है, क्रॉस में सेम वाले तो जीरो हो जाएंगे, सेम वाले जीरो हो जाएंगे, मतलब आई क्रॉस आई जीरो होगा, ये रहा, जे क्रॉस जे जीरो होगा, ये रहा, के क्रॉस के जीरो होगा, ये रहा, लेकिन विपरीत प्रकार के लोग, विपरीत प्रकार के एकांक सदिश, विपरीत प्रकार के एकांक सदिश मतलब आई कैप का जे कैप के साथ, जे कैप का के कैप के साथ, के कैप का आई कैप के साथ क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए देखिए अगर आप साइकिल को फॉलो करेंगे, अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, जो नियम है उसको फॉलो करेंगे, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। जैसे आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिलेगा, कौन बचा,
के बचा तो के मिलेगा, वो भी पॉजिटिव का, यानी आई क्रॉस जे करने पर कितना मिलेगा, प्लस का के। तो देखिए आई क्रॉस जे करने पर कितना मिल रहा है, प्लस का के मिल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने उल्टा काम किया, आपने इस वाले सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया, आपने आई से जे नहीं गए, आपने उल्टा ही दिमाग लगाया, आपने जे से आई की ओर चलना शुरू किया, जब आप जे से आई की ओर चलेंगे तो आप साइकिल को तोड़ रहे हैं, आप नियम के विरुद्ध चल रहे हैं। जब आप जे से आई चलेंगे तो के आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा। तो आप इसको देखिए, तो जे क्रॉस आई बराबर माइनस का के नहीं हो जाएगा, ये के इधर, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब आपने आई जे किया तो के मिला, ठीक है, रिवर्स किया जे डॉट आई मिला, जे क्रॉस आई किया तो माइनस के मिला, ठीक है। इस तरह से जे क्रॉस के, जे क्रॉस के करने पर प्लस का आई आएगा, देखिए जे क्रॉस के करने पर प्लस का आई आया, इस तरह से के क्रॉस आई करने में प्लस का जे आया, के क्रॉस आई करने में प्लस का जे आया। और उल्टा अगर आप रिवर्स में चलेंगे, के क्रॉस आई, सॉरी आई क्रॉस के मिलके माइनस का जे आएगा, आई क्रॉस के मिलके माइनस का जे आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं एक चीज लिखना भूल गया, ठीक है, ये इतना करने बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ये जे आ रहा है, ठीक है, फिर इसको इसके बराबर, ठीक। चलिए तो अगर आप, हाँ आप उल्टा चलते हैं, ठीक है, कितना चलना मुझे, हाँ आई क्रॉस के माइनस जे आएगा, आई क्रॉस के माइनस जे आया, के क्रॉस जे कितना आएगा, माइनस का आई आएगा, देखिए के क्रॉस जे ये रहा, के क्रॉस जे बराबर माइनस का है, ठीक है। अब जे क्रॉस आई बराबर माइनस का के, देखिए जे क्रॉस आई बराबर माइनस का के, ठीक है, इजी है। तो ये सीक्वेंस अगर आपको याद रहेगा तो आप याद रख पाएंगे। तो लास्ट वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, पॉइंट नंबर 7। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए है, ठीक है, और हमारे पास वेक्टर बी है। चलिए वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, ठीक है। ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, ये दोनों वेक्टर जो है वो त्रिविमीय है, त्रिविमीय मतलब थ्री डायमेंशनल है, दैट मीन्स कि इनके पास एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड होगा, मतलब इनके पास आई एक्स आई कैप के अलांग कॉम्पोनेंट, जे कैप के अलांग कॉम्पोनेंट और के कैप के अलांग कॉम्पोनेंट तीनों होंगे, ठीक है, तभी तो 3D वेक्टर होगा। 3D वेक्टर में तीनों कॉम्पोनेंट होते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, ये हो गया ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, इतनी चीज समझ में आ गई। इसी तरह से कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालने का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी निकालने का मतलब है हम क्या करें, पहले ए एक्स की वैल्यू रखें, ए एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस ए वाई ए कैप प्लस ए जेड। हमने क्या किया, ए की जगह पे ये पूरी वैल्यू उठा के रख दी, यहाँ क्रॉस लगाया हम भी क्रॉस लगाएंगे, ए की जगह पे ये पूरी वैल्यू रखी यहाँ पे रख दिया, बी की जगह पे ये पूरी वैल्यू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप ये हमने उठा के यहाँ रख दिया, बीच में क्रॉस था क्रॉस लगा दिया। अब अगर आप मल्टीप्लाई करने चलेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, लंबा जो होगा कंफ्यूजन भी देगा। जैसे सपोज करिए i का अगर आप इसका मल्टीप्लाई करने चलते हैं कि ax i कैप का bx i कैप के साथ मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी, ax i कैप का क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ, bx i कैप के साथ, ठीक है। यहां दोनों जगह से हमने पहले पहले कंपोनेंट उठाए, दोनों का क्रॉस किया, तो इसमें होगा क्या, देखिए ax क्या है, स्केलर है, bx क्या है, स्केलर है, तो ये दोनों आराम से बाहर निकल आए, ax bx बाहर निकल आया, ठीक। अब मैंने आपसे कहा था कि एक अच्छी आदत डाल लीजिए कि जो पहले आया उसको पहले ही लिखिए, जो बाद में आया उसको बाद में लिखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हमेशा सही साबित होंगे। लेकिन अगर आपकी आदत है गड़बड़, आप आगे पीछे कर देते हैं, आप ध्यान नहीं रखते कि ये वेक्टर्स है, आपने आगे पीछे कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आपने डॉट प्रोडक्ट ना करके क्रॉस प्रोडक्ट किया हो तो वहां दिक्कत होगी। वहां क्या होगा, अगर आपने ऑर्डर रिवर्स किया है तो एक माइनस साइन मुफ्त में चला आएगा और आपको समझ में नहीं आएगा आंसर कैसे गलत हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां पे दोस्तों पहला वेक्टर हमारा क्या है, ये वाला आई, दूसरा वेक्टर क्या है, ये आई है, ठीक है। वो बात अलग है कि दोनों एक ही तो है, दैट इज ओके, लेकिन अगर मान लीजिए ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, ये आई कैप होता, सपोज करिए ये जे कैप है, तो अगर आई इसको सीक्वेंस में लिखते मतलब जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखिए, तो आई क्रॉस जे लिखते। लेकिन अगर आपने गड़बड़ कर दिया, जे क्रॉस आई कर दिया, तो फिर माइनस साइन आई गई भाई, है ना, वो गलत हो जाएगा, तो उस चीज से बचिएगा आप, ठीक। तो यहाँ पहला, पहले कौन आया, पहले ये वाला आई आया, दोबारा ये वाला आई आया, ठीक है। तो खैर सेम है तो कोई फर्क यहाँ पढ़ने से रहा, ठीक है। आई कैप डॉट आई कैप इसको हम ऐसे लिख देंगे, अगर ये आई होता ये जे होता, अगर ये आई ये जे होता तो पहले आई आया तो पहले आई लिखते, बाद में जे आया बाद में जे लिखते, तो यहाँ क्या बन जाता है, यहाँ आई क्रॉस जे बनता, ठीक है, ओके। जो सीक्वेंस में आया वो लिखिए, ये कितना होता है, जीरो होता है, ये जीरो होता है, पूरा क्या कर देगा, जीरो कर, यानी कि ए एक्स का इस ए एक्स आई कैप का बी एक्स आई कैप के साथ किया जीरो हो गया, और ए वाई जे कैप का बी वाई जे कैप के साथ करेगा जीरो हो जाएगा, ए जेड के कैप का बी जेड के कैप के साथ करेगा जीरो हो जाएगा,
लेकिन ये तीन टर्म जीरो होंगे ना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, यही तीन तो जीरो होंगे ना। लेकिन बाकी सब के बारे में क्या ख्याल है? बाकी सब तो जीरो नहीं होंगे, टोटल छह कंपोनेंट बनेंगे और वो छह कंपोनेंट निकालना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो ये काम नहीं करना है यहाँ पे। जैसे वहां पे हमने ए डॉट बी निकालने के लिए आपको शॉर्टकट बताया था कि अगर आपको ए डॉट बी निकालना हो तो करिए क्या, आई कैप वाले को आई कैप के साथ गुणा करिए, जे कैप वाले को जे कैप के साथ गुणा करिए और के कैप वाले को के कैप के साथ करिए और सारे बचे हुए कंपोनेंट्स जितने हैं रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स वो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमें सारणिक बनाना सीखना होगा। सारणिक कैसे बनेगी आइए देखते हैं। सारणिक में क्या होता है, पहले आप दो लाइन खींच लेंगे, जो मैथ्स वाले हैं वो तो समझ वो जान जाएंगे, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है वो ध्यान दीजिएगा, सारणिक बनाना सीखिए पहले। सबसे पहले देखिए आई कैप जे कैप के कैप इसके पास भी है, आई कैप जे कैप के कैप इसके पास भी है, लिख लिया आराम से लिख लीजिए, है ना, फैला फैला के कोई दिक्कत नहीं। ये जे कैप और ये के कैप, ठीक। अब यहाँ पे पहला वेक्टर कौन है, जो पहले लिखा है वो पहला वेक्टर है, यानी ए क्या है पहला वेक्टर, जो बाद में लिखा है वो दूसरा वेक्टर है, यानी ए बी दूसरा वेक्टर है। तो जो पहला वेक्टर है उसकी एंट्रीज को हम लोग ऊपर लिखेंगे, जो पहला वेक्टर है उसकी एंट्रीज को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, और जो दूसरा वेक्टर है जो बाद में आया उसकी एंट्रीज को नीचे लिखेंगे। एंट्री का मतलब क्या है, एंट्री का मतलब ये है, देखिए पहला वेक्टर ए है तो ए की एंट्रीज को ऊपर लिखेंगे, इसका मतलब ए में देखिए ए की वैल्यू में ए की वैल्यू ये है ax i कैप ay j कैप az k कैप, ठीक है। अब ए में देखिए i कैप का कंपोनेंट कितना है ax, तो i कैप के नीचे क्या लिखेंगे ax, और j कैप का कंपोनेंट क्या है ay, तो ये हो गया ay, और k कैप का कंपोनेंट कितना है az, ax ay और ये az, तो k कैप का कंपोनेंट az हो गया, ठीक है। इसी तरह से वेक्टर b, वेक्टर बी का परिमाण, वेक्टर बी का, वेक्टर बी को देखिए कितना है bx i कैप by j कैप bz k कैप, ठीक है। तो इसमें करना क्या है हमको, अब b की एंट्री को दूसरे वेक्टर की एंट्रीज को हम लोग नीचे लिखेंगे, पहले वेक्टर की एंट्रीज को ऊपर, दूसरे वेक्टर की एंट्रीज को नीचे। तो दूसरे वेक्टर में देखिए i कैप का गुणांक क्या है bx, यहां लिख लिया, j कैप का गुणांक क्या है by, तो j कैप का गुणांक है by, तो उसको j कैप वाली कॉलम में उसके ठीक नीचे लिखेंगे, यहां पे लिख लिया by, और k कैप का गुणांक क्या है bz, तो यहां पे इसके नीचे जस्ट लिख देंगे bz, ठीक है। पहले वेक्टर के, पहले वेक्टर में उसकी एंट्रीज को लिख लिया i कैप का गुणांक i कैप के नीचे, j कैप का गुणांक j कैप के नीचे और k कैप का गुणांक k कैप के नीचे। इसी प्रकार दूसरे वेक्टर में i कैप का गुणांक उसके नीचे, j कैप का गुणांक उसके नीचे और k कैप का गुणांक उसके नीचे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इसको उसका सॉल्यूशन देखते आइए। सॉल्यूशन इसका ऐसे निकलेगा कि ये अच्छा इंप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये साइन होता है, इसका मतलब ये प्रदर्शित कर रहा है क्या कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करने पर हमें क्या मिल रहा है, देखिए यहां से हमें केवल मॉड मिले, यहां से हमें पूरा एक फैक्टर मिल के आएगा, ठीक है। अब देखिए पहले इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो क्षैतिज, ये जो ऐसे क्षैतिज रेखाएं हैं ना, इनको बोलते हैं रोज, ठीक है, ये होती है रो, ये आर वन पहली रो, ये आर टू दूसरी रो, आर वन का मतलब ये पूरी, ठीक है, आर टू का मतलब ये पूरी, आर थ्री का मतलब ये पूरी, ये हो गई आर थ्री, रो वन रो टू रो थ्री, रो मतलब पंक्ति, और इसको बोलते हैं जो बिल्कुल ऐसे वर्टिकल होते हैं, इसको बोलते हैं स्तंभ या कॉलम, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, यानी ये इसको हमने बोल दिया सी वन सी टू और ये हमारा सी थ्री, ठीक है, सी वन सी टू सी थ्री, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ओके हम लोग ये वाली रो लेंगे जिसमें आई कैप जे कैप और के कैप है, ठीक, ऐसा नहीं है कोई दिक्कत है, आप ये वाली रो भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले पहली रो कौन सी होगी, ये वाली पहली रो, यानी जिसमें आई कैप जे कैप के कैप लिखा है वो वाली पंक्ति, पहली रो और पहला कॉलम इसको छिपा लीजिए। सपोज करिए आपने पहली रो छिपा ली और पहला कॉलम छिपा लिया, क्या क्या बचा है, चार लोग बचे हैं। अब इसमें क्या होता है, अब आपने देखा होगा टीचर जब पेपर को कट करते हैं, कोई भी आंसर गलत लिखा होता है, पहले ये वाली लाइन खींचते हैं फिर ये वाली लाइन खींचते हैं, कोई भी टीचर उल्टा काम करता नहीं मिलेगा, ज्यादातर लोग, ज्यादातर टीचर 99% टीचर क्या करते हैं, पहले ये कट लगाते हैं फिर ऐसे कट लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पहली रो को छिपा लिया, पहले कॉलम को छिपा लिया, अब इसमें कट कैसे लगेगा, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितना बनेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए ए एक्स सॉरी ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, ठीक है, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, ठीक, फिर ऐसा कट लगाने बाद ऐसा कट लगाया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, कितना आएगा, ये आएगा ए जेड बी वाई, ठीक है। ये आया कब, जब आपने पहली रो और पहले कॉलम को छिपाया, और पहली रो और पहले कॉलम में कॉमन क्या है आई कैप, देखिए पहली रो और पहली रो और पहले कॉलम में कॉमन क्या है आई कैप, यानी यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा आई कैप, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जे कैप की,
ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जे कैप की। देखिए अब जे कैप के लिए क्या करना होगा, अब अगला कदम पहले आपने पहली रो पहले कॉलम को छिपाया, अब पहली रो और दूसरे कॉलम को छिपाइए, कितने लोग बचे, चार लोग, एक दो तीन चार, ठीक है। तो पहली रो पहले कॉलम को छिपाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए एक्स, इसका इससे गुणा, क्योंकि पहले ऐसे कट लगता है ना, ऐसे कट, तो ए एक्स बी जेड क्या होगा, ए एक्स बी जेड। ध्यान रखिए अगर आप ये ऑर्डर भूल जाएं तो बस इतना ध्यान रखिएगा, टीचर पहले ऐसे कट लगाएंगे फिर ऐसे, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ए जेड का बी वाई बी जेड के साथ गुणा होंगे आप, फिर माइनस लगेगा, माइनस लगाया किसका किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए जेड का बी एक्स के साथ, तो ये हो गया ए जेड बी एक्स, ठीक है, इतना हो गया। और ये क्या है, ये इसके साथ क्या रहेगा, पहली रो और दूसरे कॉलम में कौन कॉमन है, जे कैप, तो यहाँ पे आ जाएगा जे कैप, ठीक है, और यहाँ पे जे कैप वाले के साथ एक माइनस साइन रहता है, ठीक। चल अब हम लोग बात करेंगे अगले के लिए, तो अब पहली रो और तीसरे कॉलम को छिपाइए, पहली रो तीसरे कॉलम को हटा दिया, कौन कौन, ये चार लोग बचे, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा ए एक्स बी वाई, कितना हो जाएगा ये ए एक्स बी वाई माइनस, कितना होगा ए एक्स बी, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया ए एक्स बी वाई, अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा ए वाई बी एक्स, कितना हो गया ये ए वाई बी एक्स, ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, इतना आ गया। अब यहाँ पे ये तो सॉल्व बस इतना आ गया, क्योंकि अगर आपको नंबर्स दिए होंगे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सारणिक बनाना आ गया होगा आपको, क्योंकि सारणिक अगर बन जाएगी तो आप इसे बढ़िया सॉल्व कर सकते हैं, बाकी ये वाला प्रोसीजर तो बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों बस इतनी सी प्रॉपर्टीज थी, तो हम लोग आज के सेशन में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।